बुलेट ट्रेन के लिए नई नई टेक्नोलॉजी पे काम शुरू है, जिसमें से खबर निकल के आई है कि जापान के साथ एक एमओयू साइन हुआ है जो है ट्रैक्स को ले करने वाली टेक्नोलॉजी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। इसे ये शिनकानसेन टेक्नोलॉजी कहते हैं कि टेक्निक इंडियन रेलवेज के लिए काफ़ी गेम चेंजर हो सकती है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन वाला बटन है वो भी दबा दो, ताकि सबसे पहले आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सके। अभी में एक ताज़ा अपडेट निकल के आई है, इंडियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक NHSRCL ने MOU साइन किया है विद जापानीज़ रेलवे टेक्निकल सर्विसेज के साथ। MOU के तहत ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेगा जापान हमारे लोगों के लिए, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक वर अंडर पैकेज T1, T2 और T3। हालांकि कोविड की वजह से सब कुछ बंद है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की जो विजिट थी वो कैंसिल कर दी थी। ये जो MOU साइन हुआ था वो जापान के वरिष्ठ अधिकारी और NHRCL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आचल खरे, इसकी मौजूदगी में ये MOU साइन हुआ था। वो ये अब तक की काफ़ी अच्छी खबर है कि हमें अब ट्रैक टेक्नोलॉजी जापान की तरफ से मिलने जा रही है। यहाँ पर जो ट्रैक के पैकेजेस है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर के लिए अब खोल दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्कफोर्स है उन्हें एक हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग से गुजरना होगा। जब इनकी ट्रेनिंग खत्म होगी तब ये जाके अपने साइट्स पे काम शुरू कर सकते। अगर आप इसका कंपैरिजन हमारे नॉर्मल ट्रैक से करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले तो इंडियन रेलवे में जिस तरह से स्लीपर्स यूज होते हैं वहाँ पर स्लैब की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। सेकेंडली, जो रेडियस इंडियन रेलवे में यूज़ होता है उसके कंपैरेटिव में बुलेट ट्रेन के जो रेडियस है वो काफ़ी हाईली होते हैं। यहाँ पर कर्व्स काफ़ी लंबे होते हैं सो दैट कि बुलेट ट्रेन को स्पीड कम करनी ना पड़े। इसके अलावा आपने जर्नी के टाइम पे नोटिस किया होगा जो ट्रैक्स है इंडियन रेलवे के उन्हें फिश प्लेट्स और फिश बोर्ड से कनेक्ट, लेकिन बुलेट ट्रेन के मामले में दिस थिंग्स आर यूजलेस। यहाँ पर सिर्फ वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है, वो भी हाई प्रेशर वाली। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस है, जैसे कि स्टील क्वालिटी, ट्रैक्स का गेज, ये हमारे नॉर्मल रेल से इसे अलग बनाता है। तो अब यहाँ पे स्लैब ट्रैक सिस्टम जो बुलेट ट्रेन के लिए यूज़ होते हैं, ये जो हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है जापान से मंगाए जाएंगे। इनफैक्ट इनकी जो हाईली प्रेसिजियस वेल्डिंग मशीन है इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो, जो 1 mm का थिकनेस होता है उससे भी 1/10 mm का इतनी बारीकी से वेल्डिंग की जाती है। एंड दिस इज़ द रीज़न आपने नोटिस किया होगा चाइना और जापान में जो ट्रैवल है वो कितना स्मूथ होता है। अब यही सारी चीज़ें हमारे लोगों को यहाँ सिखाया जाएगा। एज़ पर MOU, जापान टेक्निकल सर्विसेज ने काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड की हुई है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, फिर क्लासरूम ट्रेनिंग भी दी जाएगी, देन ऑनसाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब जाके कॉन्ट्रैक्टर के वर्कफोर्स को सर्टिफाइड किया जाएगा। इस MOU के तहत 1000 से भी ज़्यादा पर्सनल को ट्रेन किया जाएगा और सर्टिफाइड किया जाएगा। वैसे तो काफ़ी सारा काम हम बुलेट ट्रेन का इंडियन कॉन्ट्रैक्टर से करा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत मिशन को ध्यान में रखते। यहाँ पर स्टील ब्रिजेस से लेकर स्टेशंस और ट्रैक्स भी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बिछाए जाए। इसके लिए एक सेपरेट ट्रेनिंग, एक टेम्प्ररी ट्रेनिंग फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा इन सूरत। इसमें जो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है इसके लिए ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके लिए सिर्फ 60 दिन की ट्रेनिंग दी जाए। अभी जो कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर इंडिया में पॉसिबल नहीं हुआ तो कुछ इंजीनियर को जापान भेजकर वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, बट ट्रेनिंग ज़रूर दी जाएगी। अगर हमें ये टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो ये हमारे लिए काफ़ी ग्रेट माइलस्टोन होगा। इसमें हम कुछ चेंजेस करके हमारे जो रेलवे सिस्टम है इसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे में फ़िश प्लेट और फिश बोर्ड्स का जो यूज़ होता था उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं और ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो कई देशों ने इसका अभी बॉयकॉट कर दिया है। वही अगर हमारे यहाँ बन रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो इसमें वेल्डिंग्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न केवल ट्रैक्स की मजबूती बरकरार रहती है बल्कि हेयर क्रैक्स और काफ़ी सारे क्रैक्स का आने का खतरा भी कम हो जाता है। This is end of the video. Thanks for watching.